नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। राइट, डेली बेसिस पे एवरी डे मैं सेशंस अपलोड करता हूँ जिसमें अपन बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स अफेयर, सब जगह सब टाइप के न्यूज, सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलता हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कर दीजिएगा कमेंट। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फरवरी मंथ, राइट, मैं मंथ के एंड में कोई भी मंथ एंड हो उसमें एक पीडीएफ रेडी करता हूँ आप सभी के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, जो पीडीएफ 100+ क्वेश्चंस है उसमें, एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस, बैंकिंग, स्टैटिक, आपकी करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, बुक बेस पर, राइट, डेट बेस पर, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे मैंने जो वीडियोस दिए हैं, पीडीएफ दिए हैं, उनको एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, ये फरवरी का है, जनवरी का भी मैंने दिया है, दिसंबर का भी दिया है। नहीं मिलता आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जरी है, जैसा कि मेरे प्रत्येक सब्सक्राइबर को, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा, मैं मंथ के एंड में टॉपिक बेस्ड पर वीडियो बनाता हूँ। जैसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जरीज हो गई फरवरी मंथ की, आपको जनवरी मंथ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, दिसंबर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। इसी टाइप के सारे टॉपिक बेस पर मैं वीडियो बनाता हूँ और पीडीएफ भी मैं आपको दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं पे करना। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए। ये फरवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और देखने को मिले भी हैं, क्योंकि मैंने अक्टूबर के, नवंबर के जो पीडीएफ, जो वीडियोज शेयर किए थे उनमें से एकदम डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके, तो प्लीज इन वीडियोज को एक बार जरूर देखा करिए। ये अपॉइंटमेंट है, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। राइट, जो भी स्टूडेंट्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। राइट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस का वीडियो। ओके, ये फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज हैं। राइट, फरवरी मंथ के कंप्लीट इम्पॉर्टेंट डेज, राइट, जनवरी के भी हैं, दिसंबर के भी हैं, अक्टूबर के भी हैं, नवंबर के भी हैं, डेज प्लस उसकी थीम क्या रही है, इन सभी का डिटेल्स में मैंने वर्णन किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है, आपको केवल वीडियो देखना है। राइट, वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर एडिशनल चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं और रिवाइज भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ओके, तो प्लीज ये वीडियो मैंने जो बताए हैं इनको देख लीजिएगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, विथ विच कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। राइट, भारत ने कृषि और संबंध क्षेत्र में क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट, वह किस देश के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, तो वह फिजी है जिसने
फिजी के साथ भारत ने कृषि और संबंध यानी कि एक तरह से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के साथ उसके जो संबंधित क्षेत्र हैं उनके साथ फिजी ने एक समझौते पर एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पे हस्ताक्षर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, क्लियर, एक समझौता किया गया है। फिजी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं डेली वर्क पे डेली बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन होमवर्क आपको देता ही देता हूँ, राइट। तो प्लीज आप जरूर देखा करिए, जरूर आंसर दीजिए, सर्च करिए उन क्वेश्चंस के बारे में, राइट। नेक्स्ट आते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट आज के लिए तो कोई इम्पॉर्टेंट डेज नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक यानी ये बुक्स है, राइट। आप सभी को मालूम है मैं डेज भी डिस्कस करता हूँ, बुक्स भी डिस्कस करता हूँ, राइट। तो आज के लिए कोई इम्पॉर्टेंट डेज नहीं है, कल का जो डेज था उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। आज एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई है, दैट इज द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, राइट। ये पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है, दैट इज द अनंत विजय, राइट। अनंत विजय ने डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, यह पुस्तक जो अमेठी, राइट, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि यूपी में है, वहां की जो पार्लियामेंट यानी कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी स्मृति ईरानी, राइट, जो अमेठी से पहली बार जीत के आई है, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। रायबरेली, अमेठी, ये सारे दो तो ऐसे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनी है, राइट, एक तरह से कह सकते हैं जो ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं, राइट, लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी ही जीता करती थी। बट रिसेंट में जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे, वह अभी वायनाड से सांसद हैं, राइट। तो अमेठी में जो चुनाव लड़ा था तो राहुल गांधी को वहां से स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, राइट। तो उसी की रिगार्डिंग इन्होंने पुस्तक लिखी है, डायनेस्टी एट अपन्स परिवारवाद, जो एक डायनेस्टी बनी हुई है टू डेमोक्रेसी, यानी कि डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना, लोकतंत्र की तरफ बढ़ना, यह पुस्तक लिखी है अनंत विजय ने, राइट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायल। ओके, क्लियर। मेन उनकी विक्ट्री पे, मेन उनकी जीत पे, मेन उनका जो वह विजेता हुई थी अपने चुनाव क्षेत्र में, राइट, लोकसभा क्षेत्र में, तो वहां से इन्होंने पुस्तक लिखी, पूरा का पूरा हिस्ट्री दे रखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो 15 तारीख को, राइट, 15th of March को यह पुस्तक है जो रिलीज की जाएगी। ओके, याद रखिएगा, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी किसके ऊपर, स्मृति ईरानी, किसने लिखी है, अनंत विजय ने। एग्जाम्स में बुक बेस पर दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, पुस्तक का नेम और ऑथर का नेम, क्लियर। एंड आज की एक ही न्यूज है, तो ये न्यूज है, दैट इज द बजरंग विन, बजरंग पूनिया, राइट, बजरंग पूनिया है जिन्होंने गोल्ड एंड नंबर वन रैंक, राइट, जिन्होंने जीता है, दैट इज द गोल्ड मेडल, एंड पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशंस पर रैंक है, दैट इज द बजरंग पूनिया, जो कि एक इंडिया से बिलोंग करते हैं, ओलंपिक के लिए इनका टिकट हो चुका है, राइट, इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और टॉप लेवल की रैंक भी, फर्स्ट पोजीशंस पर रैंक भी हासिल कर ली है। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछता है कि बजरंग पूनिया किस खेल से रिलेटेड है, या बजरंग पूनिया ने क्या जीता है, या फर्स्ट पोजीशंस पर रेसलिंग पर कौन है, राइट। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाए, न्यूज आपके लिए एक ही रहेगी, याद रखिएगा। ओके, बजरंग पूनिया विंस गोल्ड एंड नंबर वन रैंक, राइट, गोल्ड भी जीता और साथ ही साथ नंबर वन रैंक भी हासिल कर लिए, 2 पॉइंट से, राइट, लास्ट 30 सेकंड्स में 2 पॉइंट से इन्होंने हराया था, राइट, सामने वाले प्रतिद्वंदी को। क्लियर, समझ में आया, तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करते चलिएगा, राइट। देखिए, आज एक ही न्यूज थी, अब चलते हैं सीधे के सीधे अपन एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इंटरनेशनल वुमन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो हर साल कब मनाया जाता है, राइट।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि आपकी 8 मार्च को, राइट। कल भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर बताया था, तो प्लीज कल का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। जीके आप रेगुलर देखेंगे, एवरीडे पढ़ेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा, राइट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाते हैं, एंड देन 13 फेब, राइट। 13 फरवरी, राइट। 13 फरवरी को माय डियर एस्पिरेंट्स नेशनल वुमेन्स डे, राइट, राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपके 13 फरवरी को मनाते हैं। एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस पूछता है इस टाइप से, राइट। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को बनाया, 8 मार्च को बनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सरोजनी नायडू जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को एक और दिवस बनाते हैं, दैट इज द रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो दिवस, राइट। याद रखिएगा फरवरी मंथ का अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। अभी अपन मार्च की बात करें तो अभी तक अपन ने 1 मार्च को आपकी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाते हैं, फिर आता है 2 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, फिर आता है 8 मार्च को दैट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अभी तक आपके लिए ये 3 डेज ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये देख लीजिए फरवरी मंथ का कंप्लीट एक पीडीएफ, कंप्लीट एक वीडियो, एक भी क्वेश्चंस, राइट, एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर आपको आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, राइट। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए मेरे जो न्यूज हैं उन जो क्वेश्चंस हैं उनके कल मैं आपको न्यूज बता चुका हूँ, राइट। आज जो न्यूज होगी उसके कल आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, तो इसी दिखाता हूँ, 2 बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे पढ़ते हैं, राइट। ग्लेनमार्क फार्मा साइंड हु अमंग द फॉलोइंग्स एज ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर कैंडिड कैंडिड पावर रिसेंटली, राइट। ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में एक उम्मीदवार को, राइट, पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में हस्ताक्षर किया है। तो वह कौन से हैं जो ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं, दैट इज द रोहित शर्मा, राइट। रोहित शर्मा जो कि एक इंडियन क्रिएटर है, ऑपनर बैट्समैन है, याद रखिएगा उनको शाइन किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में, क्लियर, ग्लेनमार्क फार्मा ने, क्लियर, रोहित शर्मा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी ग्लेनमार्क फार्मा साइंस रोहित शर्मा एज ए ब्रांड एम्बेसडर्स। एंड विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी डेस्क, राइट। इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी डेस्क है, डेस्क है जो कहाँ पर आपकी खोला गया है, राइट। केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला कम्युनिटी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी डेस्क है जो कहाँ पर खोला गया है, तो वह खोला गया है दैट इज द तेलंगाना, राइट। तेलंगाना में इसको खोला गया है, याद रखिएगा तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है दैट इज द चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सौंदरराजन इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना जिनको एडिशनल चार्ज के रूप में पुडुचेरी का भी प्रभार दिया गया है। पुडुचेरी में पहले किरण बेदी थी गवर्नर और मुख्यमंत्री थे एन नारायण स्वामी, राइट। नारायण स्वामी अभी इस्तीफा दे दिया था, अभी पुडुचेरी केरला असम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये आपके स्टेट हैं, वहां पर इलेक्शंस भी होने हैं। ओके, तेलंगाना की एक स्कीम है दैट इज द रायतु बंधु, रायतु भरोसा स्कीम जो कि आपकी आंध्र प्रदेश की है, और रायतु बंधु स्कीम है जो कि आपकी तेलंगाना स्टेट की है, राइट। याद रखिएगा एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस बना हुआ है, सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बीसीसीआई इन इंडिया, बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड, राइट, अनाउंस्ड द शेड्यूल्स फॉर विच
additions of Premier League 2021 to be held in India, right? PCCI ने भारत में होने वाले प्रीमियर लीग में राइट कौन से संस्करण की शुरुआत करेगा 2021 में, राइट? ये कल भी मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स IPL देखते हैं बट उनको पता ही नहीं रहता एडिशंस कौन सा है, और एग्जामिनर बता देता है, एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल देता है। याद रखिएगा यह आपकी 14वां एडिशन है, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, राइट 2008 में। 2009 का जो IPL था वो साउथ अफ्रीका में खेला गया था। याद रखिएगा पांच ऐसे टाइटल्स हैं IPL के जो रोहित शर्मा बॉम्बे इंडियंस के कैप्टन हैं, राइट, यानी कि बॉम्बे इंडियंस ने पांच टाइटल्स जीते हैं आपकी IPL के। ओके, इंडियंस प्रीमियर लीग 2008 अभी 14वां एडिशन। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। और पांच बार टाइटल यह भी जीत चुकी है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी, टोटल्स 8 टीमें हैं, राइट 8 टीमें हैं, और वीवो को अगेन आपकी इसको स्पॉन्सरशिप दे दी गई है वीवो फोन, राइट। आप सभी मालूम है, आप सभी को भी मालूम होगा, राइट। चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, बॉम्बे इंडियंस, राइट, एंड देन राजस्थान रॉयल्स एंड बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स। क्लियर, समझ में आया आपको? सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस, राइट, क्रिस मॉरिस है जो 16.25 करोड़, यह क्वेश्चन बनेगा IPL में 2021 में। सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं 6.25 करोड़ रुपीज में, दैट इज द क्रिस मॉरिस, राइट। क्रिस मॉरिस हैं जो कि सबसे महंगे, सबसे कॉस्टली खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी नारायण भट्ट, राइट, हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रेनोवेट। लक्ष्मी नारायण भट्ट है जिनका रिसेंट में निधन हो गया था, तो वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वह एक प्रसिद्ध कनाडियन पोइट थे, यानी कनाडियन कवि थे। क्लियर, लक्ष्मी नारायण भट्ट, क्लियर, जो कि एक कनाडा के पोइट थे। क्लियर हो? एक ऑबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, हु रिसीव्ड द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड इन मार्च 2021। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व में किसको सेरावीक एक अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वह हुए हैं दैट इज द नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, रामनाथ कोविंद, राइट, ये प्रेसिडेंट हैं भारत के। याद रखिएगा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रभार देख रहे हैं, लखनऊ यूपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नरेंद्र मोदी वाराणसी यूपी से ये सांसद हैं। याद रखिएगा अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद से यह सांसद है, अहमदाबाद में रिसेंट में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्लियर, तो इसका आंसर्स होगा आपका डी ऑप्शंस अमित, इसका आंसर्स आपका होगा सी ऑप्शंस नरेंद्र मोदी, राइट। सेरा वीक यानी कि वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। क्लियर, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आज का आपके लिए क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक पब्लिक एजुकेशन कम्प्लीटली डिजिटल, राइट। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरीके से डिजिटल, राइट, डिजिटल बनाने का देश का पहला राज्य बना है, मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान या पंजाब? व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज फर्स्ट इनॉग्रेशन हो, कोई भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो, ध्यान रखिएगा पूछता भी है। ओके, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर।
ओके तो एंड अप करते हैं वीडियो को। अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, राइट। एंड चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ अगर आपको चाहिए डाउनलोड करना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, अच्छे अच्छे पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।